हेड्स अप डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा भाई आपको 140 पहुंच चुकी है। ब्रेक भी अच्छे हैं बट थोड़ा सा स्किट मारी थी ब्रेक में। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे भाई आप सब लोग, अगर आप भी मेरे कार लगे तो मुझसे जंगल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा इस कार का ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दिया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई इस कार की टेस्ट ड्राइव, इस गाड़ी की नहीं, वो है अपनी भाई टॉप मॉडल। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा गाड़ी में, उसके बाद आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के बारे में अलग अलग बताएंगे भाई क्या सीन निकल के आता है। तो चलो, तो भाई अभी हम फिलहाल अपने करने वाले अब इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। सबसे पहले बता दो भाई, ये वाला है आपका टॉप मॉडल, कौन सा आता है, अल्फा, अल्फा वेरिएंट है भाई ये वाला, बिल्कुल टॉप मॉडल। सामने आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगी, इधर कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज। प्लस में इसमें भाई आपको पैडल शिफ्टर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देख लीजिए पैडल शिफ्टर आप आपके पास में। प्लस ये है ऑटोमेटिक वेरियंट, 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ है भाई ये वाली। इसकी हम लेने वाले अब टेस्ट ड्राइव, देखते हैं भाई भागने में कैसी है, नॉर्मल कैसी है, कैबिन नॉइज इसमें कितनी आती है, 100-150 जितनी हो सकती है उतनी भगाएंगे भाई इसको, जितना हमें स्पेस मिलेगा टेस्ट ड्राइव में सारी चीज आपको दिखाएंगे भाई। तो वीडियो में बने रहना भाई, वीडियो में आपको मजा आने वाला है। एक बार भाई अपनी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करने गए हैं, वो आ जाते हैं फिर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं भाई इसका जो टॉप मॉडल का जो इसका इंटीरियर है, सामने का स्टीयरिंग व्हील का कितना भाई धांसू लग रहा है ना, लेदर फिनिश, नीचे से ग्लॉसी क्रोम फिनिशिंग, पैडल शिफ्टर भाई साहब मैं कह रहा हूँ गदर लग रहा है भाई। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अंदर दिखाया था उसके स्टेयरिंग में तो कुछ भी नहीं था भाई, ये वाला जो स्टेयरिंग दिख रहा है ना मेरे को अलग ही फील आ रही है भाई देख के। प्लस इसकी स्क्रीन भी बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा बेटर है उससे, है भाई इसकी स्क्रीन कितनी बेटर है। प्लस इसका सामने का लुक देख कितना बेटर लग रहा है उससे, है ना। और जो उसमें मैंने ये चीजें आपको दिखाई थी इसमें वहां पे कपड़ा सा लगाया हुआ था, यहाँ पे भाई ये पूरी चीज ये लेदर फिनिशिंग में है, ये चीज है भाई टॉप मॉडल में आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई ये चीज। तो अभी चलते हैं भाई सामने का इंटीरियर, इसकी MID भाई साहब कितनी गजब लग रही है इसकी देख रहे हो। तो बिना देरी किए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपना रोड पे और आपको दिखाते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसका टेस्ट ड्राइव वगैरह कैसा रहता है, स्टार्ट करते हैं अब। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। प्लस टॉर्क आपको भाई यहीं देखने के लिए मिल जाएगा, मैंने अभी तक पैडल पे पैर भी नहीं दिया है, गाड़ी अपने आप चल रही है, ये होता है भाई टॉर्क। टर्बो पावर आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक बार बाहर चलते हैं भाई, उसके बाद इसकी अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मारुति की गाड़ियों में ना ये तो है, जो मतलब रिलायबिलिटी होती है ना एक चीज, वो मारुति की गाड़ियों में मिलती है टाटा से अच्छी। थोड़ा सा म्यूट। अब हम आ चुके हैं रोड पे और अब देखते हैं भाई जो गियर शिफ्टिंग है इसकी, ओ भाई गजब। ये तो ऑटोमेटिक है, मैनुअल में कुछ और दिखाएगा, मैनुअल में तो कुछ और ही मिलेगा, क्या बात है। मतलब ये है भाई जो इसकी गियर शिफ्टिंग है ना ऑटोमेटिक में, अगर आप देखोगे तो गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ आपको हल्का सा जर्क फील होगा, टू बी ऑनेस्ट भाई जो चीजें आपको ऑनेस्टी से ही दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ऊपर और देख लेते हैं भाई कहाँ पे कहाँ से चढ़ेगी, उसके बाद देखेंगे इसकी स्पीड वगैरह का, कितने सेकंड में कितनी पावर उठती है, यहाँ भीड़ मिलेगी ना पर उसके बाद भीड़ मिलेगी। इसमें मोड वगैरह भी है भाई कुछ स्पोर्ट्स मोड और वो गजब भाई, और क्या चाहिए, पावर है। हेड्स अप डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा भाई आपको 140 पहुंच चुकी है। बट थोड़ा सा स्किट मारी थी ब्रेक में, ब्रेकिंग भी भाई वैसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही है भाई डेव, इतनी स्पीड में अगर आप ब्रेक मारोगे तो हल्का सा वो तो लेगी, बट हाँ ब्रेकिंग पहले से ज्यादा अच्छी है इसमें।
ब्रेकिंग में इशू नहीं है। अच्छा स्पोर्ट्स मोड वगैरह इसमें बताया नहीं भाई आपने, आता है कुछ इसमें मोड वगैरह? इसमें कोई मोड नहीं है, मतलब रो गार्ड ही है भाई, जैसे आप भगाओगे वैसे ही भागेगी। दोबारा दिखा देता हूँ ये देख लो, मोड कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ मतलब पंजा दबाते के साथ ही रेस पकड़ लेती है भाई, ये देख लो मैनुअल में ज़्यादा पावर, मैनुअल में ज़्यादा पावर आएगी, ये बात तो है। और ये एक चीज़ और बता दो भाई, जैसे अगर आप अपने आप ये गाड़ी देख लेती है, आप गाड़ी चला कैसे रहो, अगर एकदम से पंजा दबाओगे ना तो वही है भाई, 5,500 RPM पे जाके ये गियर चेंज कर रही है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। नहीं किया हो तो भाई वीडियो एक बार पीछे करके दोबारा एक बार नोटिस कर लेना, 5,500-6,000 RPM पे जाके गियर चेंज कर रही है ये। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो नॉर्मल में आपको मतलब वही है भाई, जैसे जैसे आप ज़्यादा हाई RPM पे तो जाएगी नहीं, 3,000-4,000 RPM पे जाके गियर चेंज कर लेगी भाई ये। पंप सपोर्ट भी नॉर्मल में देख लो भाई, अब मैंने नॉर्मली उठाई है मतलब। अच्छा इधर से ही नॉर्मली मैंने उठाई अभी, तो वही अपना 2,000 RPM पे इसने गियर अपना शिफ्ट कर दिया था। अगर आप बिल्कुल नॉर्मली अगर आप चलाओगे, एवरेज वगैरह कितने की दे रही है भाई ये कंपनी? हाँ स्मार्ट हाइब्रिड है तो 20 की क्लेम कर रही होगी। और जो उसका 1.2 NA इंजन आता है उसमें कितने की क्लेम कर रही है? उसमें 22 की कर रही है, देगी है भाई यार। 15 मैनुअल में 22 है, उससे ज्यादा है भाई ऑटोमेटिक में इससे ज्यादा। अच्छा बाकी इसके फीचर्स वगैरह? फीचर्स वगैरह इसमें वही है जो अल्फा में बलिनो में आते थे, वो सारे सेम फीचर्स वही होंगे। क्रूज कंट्रोल हो गया, हेड अप डिस्प्ले हो गई। क्रूज कंट्रोल तो बलिनो में आता ही नहीं है, ये तो इसमें दे दिया इन्होंने, हेड्स अप डिस्प्ले दे दी। क्रूज कंट्रोल उसके अल्फा में आता है, बलिनो में, पुरानी वाली में नहीं आता ना। नहीं पुरानी, अब जो नई वाली जो बलिनो आई है उसमें दिया है उन्होंने। जी जी। और आपका 360 कैमरा हो गया, 6 एयरबैग हो गए, 6 एयरबैग से इसमें जी। तो सेफ्टी फीचर का भी भाई पूरा ध्यान रखा हुआ है टॉप मॉडल में। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, ये मतलब जो टॉप मॉडल में ये इंटीरियर इसका दिया हुआ है ना। तू और चेक कर अब चला के कैसी है, अंदर ही लेके जानी है ज्यादा को, उसे डीपे कर दे, वो गाड़ी होने डीपे कर दे, वो देख आगे ना उसे वो होगा स्विच, हाँ हल्का सा डीपे कर दे इसको, बस ब्रेक छोड़ दे अपने आप चल जाएगी। वाइपर वॉशर पीछे मिल जाएगा, डिफॉगर तो इसमें स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये ऑटो डिमिंग है आपका, अच्छा ये भी इसमें ऑटो मिल जाता है, ठीक है। इसी में ही है ना, दोनों में मिलेगा साथ ही। हाँ ये वाली है, दोनों में आपको इसको मिरर वगैरह भी देखने मिल जाएंगे। तो भाई टेस्ट ड्राइव हमने ले लिया है, बाकी भाई से पूछते हैं। भाई ये बताओ सबसे पहले तो ये वाला टॉप मॉडल है, ये अगर कोई परचेज करने आता है तो मतलब कितने तक का टॉप मॉडल पड़ जाएगा, वेटिंग कितने को उनकी देखने के लिए मिलेगी, वो सारी चीज एक बार क्लियर कर दो। टर्बो में ना 11-30 से शुरू होता है और 15 लाख तक जाता है। जो 1.2 लीटर इसका इंजन है नेचुरल एस्पिरेटेड, वो 8,81,000 से शुरू होता है ऑन रोड, 10,23,000 तक जाता है ऑन रोड, या फिर ये एक्स शोरूम ऑन रोड बता रहा हूँ, ऑन रोड है, ऑन रोड ठीक है। तो 8,81,000 से बेस मॉडल शुरू हो जाता है, 10-23 में डेल्टा प्लस आता है, और जो बीच में मैंने बताया नहीं वो 9,78,000 का है आपका डेल्टा वेरिएंट। अच्छा डेल्टा और डेल्टा प्लस में फीचर का इतना अंतर है, अलॉय व्हील और एलईडी लाइट का। अच्छा अच्छा भाई एक बार ये और बता दो, अगर कोई मतलब यहाँ से कोई मतलब आए कहाँ से लेना है किस, तो एक बार नाम अपना बता दो, भाई का नंबर मैं लेके एक बार स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जगह की जो लोकेशन है लोकेशन में मेंशन कर दूंगा, भाई का नंबर और नाम सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई जो भी आपको अगर जानकारी हो तो भाई से एक बार फोन कर लेना, लेकिन फालतू के फोन मत करना भाई, काम भी बहुत होता है, कभी आप फालतू में फोन करो। गाड़ी से रिलेटेड गाड़ी हाँ। फीचर पूछने हैं, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी क्वेरी करनी है आप फोन कर लेना तो ही करना, मतलब वही टाइम पास वगैरह नहीं, टाइम पास के लिए कोई फोन मत करना भाई, क्योंकि संदीप भारद्वाज है हाँ। और मैं यहाँ नक्शा मारुति पास्को में काम करता हूँ लगभग 1 साल से, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी आप कर सकते हैं कभी भी। हाँ बाकी भाई नंबर वगैरह और जगह की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। कोई नहीं, तो यही थी भाई कुछ वीडियो आपने देख लिया भाई, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारा कैसा था वो मैंने दिखाई दिया है।
मतलब ओवरऑल अगर हम मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो ये कॉम्पीट करेगी भाई आपकी वही नेक्सोन से, आपकी कॉम्पीट करेगी। नेक्सोन में आपको पीछे का स्पेस नहीं मिलता है, प्लस नेक्स्ट टाटा की गाड़ी कोई भी आप उठा लो, रिलायबिलिटी उनमें नहीं मिलती है भाई। नॉन स्टॉप आप उनको चलाओगे, इंजन में कोई दिक्कत आएगी या कभी कहीं कोई दिक्कत आएगी, उनमें आपको दिक्कत देखने के लिए मिलती है। इसकी अगर हम बात करें तो भाई टर्बो चार्ज और दे दिया भाई मारुति ने, बहुत बढ़िया काम किया है। एन इंजन आपको पता ही है मारुति का कितना रिलायबल है भाई, कितना रिलायबल है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। स्पेस की बात कर ले, नेक्सोन को बीट करेगी भाई, मैग्नाइट को बीट करेगी ये गाड़ी। अगर हम मारुति से बाहर निकल के अगर हम बात करते हैं तो आपकी मैग्नाइट हो गई निशान की, नेक्सोन हो गई टाटा की, और आपकी जो बात कर लेते हैं महिंद्रा की, महिंद्रा की आपकी एक्सओ वी 300 हो गई, इन गाड़ियों को ये बीट करके आगे निकलने वाली है भाई, नो डाउट। तो ये थी भाई कुछ वीडियो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।